हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये है एपिसोड 4 ऑफ उत्तराखंड सीरीज एंड मैं यहाँ पे जा रही हूँ अपने होटल के छत से व्यू लेने पूरे के पूरे गोविंद धाम का, जो कि बहुत 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 सुनहरा और बहुत अच्छा था और जो हवा भी चल रहा था वो भी और ज़्यादा इस जगह को और ज़्यादा अच्छा बना दिया और इतना पीसफुल फील हो रहा था इस जगह पे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो बहुत बढ़िया जगह था ये। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी नाश्ता करने के लिए, बाज़ार घूमने के लिए। तो इसमें मैंने सबसे पहले मोमोज खाया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगा, बट ठीक था। पहाड़ी जगह पे आप इतने ऊँचे में और कितना ही एक्सपेक्ट करोगे, तो बढ़िया था, ठीक था टेस्ट। चटनी इसकी नहीं अच्छी थी बट मोमोज ठीक था। सो हम रेडी हो गए हैं और हम निकल गए हैं ट्रैकिंग के लिए। सो अभी हम जाएंगे यहाँ से घाघरिया, फिर वहाँ से ट्रैक करके हेमकुंड साहिब। चलिए चलते हैं। तो हम जाने से पहले डंडा ले रहे थे ताकि हम अपने आपको सपोर्ट दे सके जब हम एकदम थक जाएं, बिकॉज़ हमारी जो ट्रैकिंग थी वो 16 किलोमीटर की लमसम थी, तो इस वजह से सपोर्ट बहुत ज़रूरी था थकने के बाद। तो इसलिए हमने ये लिया जो कि हमें एक्चुअली में पूरे ट्रैकिंग में बहुत सपोर्ट दिया, सो इट वॉज़ एक्चुअली गुड। और 150 रुपीज़ का था। सो अभी हम रेस्टोरेंट में आए हैं, यहाँ पे कुछ हल्का नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता किया था ब्रेड टोस्ट 2 पीस, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना हुआ था और सुबह के नाश्ते के लिए काफ़ी एनफ है, बिकॉज़ आपको ट्रैकिंग पे जाना है तो आप लाइट ही खा के जाओ। और उसके बाद फिर हमने अपना ट्रैकिंग शुरू किया था। तो यहाँ पे हम डंडा ले लिए थे, नाश्ता हो चुका था तो हम बिल्कुल रेडी थे। आपको एक चीज़ याद रखना है कि जहाँ पे ये गाड़ियाँ का मैंने वीडियो वीडियो में जो मैं आप दिखा रही हूँ गाड़ी, वहाँ से ही आपको रेंटेड कार मिलेगी जो कि आपको यहाँ से वहाँ तक ड्रॉप कर देगी, पुलमा जहाँ से ट्रैकिंग एक्चुअली में शुरू होता है, ठीक है, जो कि 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर का रास्ता है। तो आपसे वो 50 रुपीज़ लेंगे और आपको वो वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे, वहाँ से आप अपनी एक्चुअल ट्रैकिंग शुरू कर सकते हो। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कि गाड़ी से नहीं लेके डायरेक्टली वो यहीं से अपना ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं, बट आपको मैं एडवाइज़ करूँगी कि आपके लिए बेटर होगा कि आप वहाँ तक गाड़ी से चले जाओ, बिकॉज़ भाई ऐसे भी 16 किलोमीटर करना है, क्यों 4 किलोमीटर और बढ़ाएं। तो इसलिए आराम से जाओ यहाँ से गाड़ी से, और उसके बाद फिर 50 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बॉडी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो जाओ आराम से, ठीक है, यहाँ पे 50 रुपये दे दो, यहाँ से जाओ वहाँ पुलमा तक आपको ड्रॉप कर देंगे, फिर वहाँ से आप अपनी ट्रैकिंग शुरू करना आराम से। और अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर्ड करके करना ज़रूर से, अपने पास एक बॉटल रखना और खाने को अगर सामान है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ मिलता भी है पूरे ट्रैक पर, आपको हर 20-25 मिनट के स्पॉट पर दूरी पर आपको मिल जाएगा खाने को, लेकिन वो काफ़ी महंगा रहेगा ये भी याद रखना, बिकॉज़ हमने सिर्फ फ्रूट्स खाए थे जो कि हमें एक एक पीस 50-50 रुपीज़ का मिल रहा था, तो इस जैसे वो आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपना, याद चाहो अगर आप पैसा बचाना तो आप अपने पास कुछ खाने का आइटम्स लेके जाओ, और अपने बैग को जो आप कैरी कर रहे हो ट्रैकिंग के दौरान उसको काफ़ी हल्का करके जाना, बिकॉज़ फिर आपको बहुत परेशानी होगी, बिकॉज़ हमारा बैग भारी था तो हमें एक्चुअली में शोल्डर में बहुत पेन हो गया था, तो आपको ये चीज़ इंश्योर करना है, ठीक है। और रास्ता जो है वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, मैं मैप में आपको इसका व्यू डाल दूँ कि कितना गोल गोल रास्ता है, ताकि आपको देखने में प्रॉपर आइडिया लगेगा कि कैसे ड्राइवर्स यहाँ के चलाते हैं, उनके लिए लिटरली हैट्स ऑफ है, वो लोग इतने बढ़िया से गाड़ी को चला लेते हैं इस ऐसे इलाके में भी जहाँ पे लैंडस्लाइड हो, इजीली लैंडस्लाइड होता है, आप देख भी रहे होगे कि लैंडस्लाइड हुआ हुआ है यहीं पे, वो लोग ट्रैक करके भी जा रहे हैं, तो आपके पास जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑप्शन है, आप ट्रैक करके भी जा सकते हो, ठीक है। और यही चीज़ याद रखना कि आपको थकावट होने वाली है बहुत गंदी, तो आप अपने आप को एकदम प्रिपेयर लेके जाना कि ठीक है मैं ट्रैक करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे पुलमा, जहाँ से एक्चुअली में आपको दिखाना है, अगर आपने प्री बुकिंग करके रखी है हेमकुंड साहिब की तो आपको यहाँ पर स्कैन कराना है अपना क्यू आर कोड, और नहीं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी बुकिंग करानी है, यहाँ पर एक काउंटर रहेगा जहाँ पर आपको बुकिंग करानी है, और फिर हमारा ट्रैक जो है शुरू हो गया। तो यहाँ पे हम हर टाइम पे वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे थे, बिकॉज़ बार बार ट्रैक के दौरान फ़ोन निकालना और वीडियो रिकॉर्ड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जा रहा था, बिकॉज़ हमारे पास बैग भी था, ऊपर से हम थके हुए भी थे, तो इस वजह से, तो जो
डिस्टेंस हमने कवर किया था यहाँ पे इस मूवमेंट पे जो कि थी 2 किलोमीटर की। एंड जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन था कि पहले जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन था कि 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है और उसके बाद नॉर्मल है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ट्रस्ट मी, मैं डरा नहीं रही हूँ, बट मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रही हूँ कि चढ़ाई आपको पूरे के पूरे 16 किलोमीटर में मिलेगी और फिर आपको वहाँ पर जाना होगा उस तरीके से चढ़ाई करके, ठीक है। फिर यहाँ पर हम बीच में रुके थे जहाँ पर खाने के लिए, तो ये जो आंटी आप देख रहे हो पंजाबी अंकल और आंटी, ये लोग हमारे साथ साथ थे। तो हमें हाफ रास्ता कवर कर लिया है, लगभग 4-5 किलोमीटर कर लिए हैं। वाह दीदी। नहीं वाह दीदी। मतलब आगे जाएंगे, मैं रास्ता दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे थोड़ा पानी वानी पीने के लिए खड़े हुए, रेस्ट कर रहे हैं। रास्ता देखो, अभी यहाँ से जाएंगे और उसके बाद फिर ये वाला पार्ट, फिर उसके ऊपर जो दिख रहा है ना वो एक और वहाँ तक जाना है। लंबी चढ़ाई है, चलते हैं आगे। तो आप मेरा शक्ल देख के समझ रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी हमें, और कैसे लोग सब चढ़ के जा रहे हैं, बहुत थक गए थे सभी लोग, जितने भी बूढ़े हों जवान हों, सब एक्चुअली में बहुत थक गए थे। एंड वहाँ पे हमारा सपोर्ट बने थे वो पंजाबी अंकल आंटी, जिनका मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में जिनको दिखाया, वो अंकल ना मतलब स्टोरी में बता रहे थे हमें कि वो 15 ईयर्स से लगातार हेमकुंड साहिब आ रहे हैं। जब वो बहुत छोटे थे तभी भी वो आए थे, एंड उस टाइम पर ये जो मतलब जो रास्ता हमको इतना क्लियर है मिल रहा जिसपे हम आराम से चढ़ाई कर पा रहे हैं, अंकल बता रहे थे कि वो पूरा का पूरा टूटा हुआ था और सिर्फ वहाँ पे छोटे छोटे पत्थर थे जो कि पैरों में गड़ते थे उन लोगों के, और वैसे में वो लोग चढ़ाई करते थे। तो लोगों की भक्ति भी आप देखोगे। 6 किलोमीटर पार करने के बाद अभी रिमेनिंग है 5 किलोमीटर और, उसके बाद हमें 6 किलोमीटर के बाद ये नज़ारा मिला जिसकी वजह से सारा टायर्डनेस एकदम खत्म और इतना सुंदर ही नज़ारा है क्या ही बोला जाए। देखिए एक बार, तो ये नज़ारा मिलेगा आपको आधा ट्रैक कंप्लीट करने के बाद, और बैठने की व्यवस्था हर जगह पे आपको मिलेगी। तो यहाँ से कहाँ जाना है हमें, ये इधर से गए फिर ये वाला पुल पार करना है, और फिर यहाँ से जब जाएंगे ना तो ये देख रहे हो, बट आई थिंक कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा। समझ रहे हो आप। तो ना ट्रैक कंप्लीट करने के बाद हम फिर शुरू किए थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अपनी ट्रैकिंग का प्रोसेस। एंड सामने हम साथ साथ जा रहे थे इस आंटी के, आंटी अंकल हम लोग सब, इनकी फैमिली जो थी हम लोग सब साथ में जा रहे थे। ताकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले, और ये अंकल बहुत मोटिवेट कर रहे थे हमें, लिटरली बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे। हर पॉइंट पे हमें बस बोलते थे कि बस बेटा जी 2 किलोमीटर और चलना है, बस बेटा जी 2 किलोमीटर, ऐसे करते करते अंकल ने हमें पूरा ऊंचा तक हम पहुंच गए थे। मतलब बहुत मोटिवेट कर रहे थे, मतलब इनकी वाइफ ने एक लाइन यूज़ की जो कि हमें बहुत पसंद आया। उन्होंने बस ऐसे बोला, हमने बोला कि अंकल आप कितना मोटिवेट कर रहे हो बताओ, आप इतना झूठ भी बोल रहे हो। तो अंकल बोले कि क्या करें बेटा, आप लोगों को ले जाने के लिए वहाँ तक जाना तो है ही, तो थोड़ा मोटिवेट होके ही जाओ। तो उस पर आंटी ने बोला कि इन्होंने तो मेरी पूरी लाइफ ही मोटिवेट करके रखी है, जो कि बहुत ही अच्छा लाइन और बहुत बड़ा लाइन होता है किसी भी लड़की को, ये जब वो बोल रही है तो बहुत बड़ा लाइन होता है। और एक्चुअली में अंकल बहुत मोटिवेटिंग थे, हमें भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट, हमारा मतलब समझो तो आधा ट्रैकिंग जो था ना वो आधा कंप्लीट करने के बाद, जो बाकी का आधा जहाँ पे हम एकदम थक गए थे और बिल्कुल हमें हिम्मत नहीं बची थी, तो ये अंकल जो 50 इयर्स के हैं, मोर देन 50 इयर्स, इन्होंने हमें सपोर्ट दिया और ये मोटिवेट करते करते एक पॉइंट पे ले आए जहाँ पे हम पहुँच चुके थे घाघरिया। और ये हेलीकॉप्टर आप देख रहे हो, इतना पास से हेलीकॉप्टर मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। इसकी आवाज़, हेलीकॉप्टर के साथ में रिवर की आवाज़, साथ में
हिल्स हैं, पहाड़ हैं, उसकी खूबसूरती, ये सब इतना सुंदर, इतना अच्छा था जिसको देख के मतलब आपको लगेगा कि ये जगह पे आना एक्चुअली में बहुत वर्थ इट है। इस जगह पे आप जब आओगे तो अगर आपको माउंटेंस पसंद हैं तो फॉर श्योर हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो हम पहुंच गए थे यहाँ पे, घाघरिया पहुंच चुके थे। 6:30 बजे का ये वीडियो है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पे कैंप्स वगैरह भी अवेलेबल है, तो आप कैंप्स वगैरह में भी जा सकते हैं, अगर आप चाहे तो रुक सकते हैं रात में। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ क्या हुआ कि जब हम घाघरिया पहुंच गए तो हमारे पास जो भी वीडियोज़ थी वो सारी डिलीट हो गई उसके बाद की। तो फिर हमने उन्हीं अंकल को बोला कि अंकल, जब वो हेमकुंड साहिब गए थे तो हमने उनको बोला कि आप हमें कुछ पिक्चर, जब हम वापस आ गए वहाँ से तब हमने पता चला कि जा वीडियो तो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया क्योंकि पता नहीं क्या हो गया, डिलीट हो गया सारा वीडियोस, पूरे 2 दिन का शायद वीडियोस डिलीट हो गया और हमारे पास एक भी क्लिप नहीं है। तो हमने अंकल से रिक्वेस्ट किया कि आप हमें जो भी फ़ोटोज़ आपने लिए हैं हेमकुंड साहिब के तो आप हमें प्लीज़ सेंड कर दो। तो फिर उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ सेंड किए जो कि मैं यहाँ पे पोस्ट कर रही हूँ, तो सॉरी फॉर दिस, हमारे पास फ़ोटोज़ बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, बट अंकल ने जो फ़ोटोज़ लिए तो वो हम शेयर कर रहे हैं आप सभी के साथ, जो कि बहुत ही सुंदर और पूरा स्नो से भरा हुआ था। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।